छतरपुर की प्रभारी तहसीलदार रंजना यादव पर तहसील के अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार करने, दलाली को बढ़ावा देने गंभीर आरोप लगाकर उनके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने कलेक्टर और निर्वाचन आयोग में उनकी शिकायत करते हुए तहसीलदार को हटाने की मांग की है। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिवेदी, कृष्णकांत मिश्रा, राजेंद्र कुमार अहिरवार आदि ने बताया कि जब से रंजना यादव छतरपुर की प्रभारी तहसीलदार बनी है तब से तहसील संबंधित कार्य बिना पैसों के नहीं किए जा रहे। तहसील कार्यालय में दलाली प्रथा को तहसीलदार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कलेक्टर और निर्वाचन आयोग में दो अलग अलग आवेदन देकर रंजना यादव पर कार्यवाही करते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। क्या है कि इनका जो प्रभारी तहसीलदार रंजना यादव हैं, उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। आए दिन जो है अधिवक्ताओं से लड़ती झगड़ती हैं और जो है इनका जो दलाली को इन्होंने बढ़ावा दिए हुए हैं, रीडरों के माध्यम से जो है दलाली कराती हैं और दलाली वाले काम करती हैं, पहले अधिवक्ताओं की सुनती नहीं है। इनके साल साल दो दो तीन तीन साल के प्रकरण पेंडिंग रहते हैं। जब इनको बताने के लिए जाते हैं तो ये जो है वहाँ पे आक्रोशित होती हैं, फाइल फाड़ देती हैं, प्रतिवेदन फाड़ देती हैं, कहती हैं हमें आदेश नहीं करना है, नहीं सुनना ये वो, और उसके अलावा ये डाइस पे कभी नहीं बैठती। और इनके आने का समय शाम के 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे का होता है और 11, 12 बजे रात तक बैठती हैं, जबकि अधिवक्तागण जो समय पर आते हैं उनको ये मिलती ही नहीं है। निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने शिकायत की है, जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था SDM को और कलेक्टर महोदय को भी दिया और कमिश्नर को भी दिया है। तो ये मैडम जो रंजना यादव तहसीलदार हैं छतरपुर, वो यहाँ के दलालों का काम पहले करती हैं, वकीलों का काम नहीं कर पाती हैं, तो वो बिना पैसे के यहाँ कोई काम नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इनके अहमियत किया जाए ताकि सभी वकीलों को सुविधा मिले। सभी वकील लोग जो वकालतनामा लगाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती।